कंटिन्यू विद नेक्स्ट चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर। तो देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे करेंगे हम, ये आपके पास एक ट्रिक है। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो उसको ट्रिक के जरिए कैसे सोल्व करेंगे, देखिए 1 ± i की पावर n, 1 ± i की पावर n है तो उसको हम कैसे सोल्व करेंगे, देखिए −4 की पावर cos ऑफ q। जब आप n को 4 से डिवाइड करोगे, ये जो भी नंबर होगा n आपके पास उसको आप 4 से डिवाइड कर देना, जो क्वेश्चन आएगा उसको आप लिखोगे −4 की पावर q, और 1 ± i जो भी ये वैल्यू होगी उसकी पावर रिमाइंडर, जो आपका रिमाइंडर आएगा वो उसके आप पावर कर दोगे। जैसे देखिए अगर आपके पास है 1 ± i की पावर 12, आपको इसको लिखना है सिंप्लीफाई करके। तो देखो मैंने बोला जो ये पावर है उसको 4 से डिवाइड कर दीजिए, 4 से डिवाइड करोगे तो 3 पे गया 0, मतलब देखो r की वैल्यू क्या है 0 और q की वैल्यू क्या है 3, तो आप इसको लिख सकते हो −4 की पावर q, q की वैल्यू कितनी है 3, और जो ये वैल्यू है 1 ± i इसकी पावर r, r कितना है आपके पास 0, तो ये कितना हुआ −4 की q, क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। आपको प्रॉपर सॉल्व करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट ट्रिक से आप बोल सकते हो इसकी वैल्यू क्या होगी −4 की q, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 1 ± i की पावर 8 +1 −i की पावर 8। अच्छा पावर दोनों की सेम है तो क्या करेंगे कि 8 को हम 4 से डिवाइड करते हैं, देखो 8 को जो पावर है उसको 4 से डिवाइड कीजिए, कितने पे गया 4 × 2 = 8 = 0, मतलब आपके पास n की वैल्यू कितनी, q की वैल्यू कितनी आ गई 2 और r की वैल्यू कितनी आ गई 0। तो वही कर देते हैं, अब यहाँ पे इसको लिखेंगे −4 की पावर q, q की वैल्यू कितनी है 2, और 1 ± i की पावर, r की वैल्यू क्या है 0 प्लस। अब इस वाली टर्म को सोल्व करेंगे, इसको सोल्व करेंगे तो भी यही आएगा −4 की पावर 2, और 1 ± i की पावर, रिमाइंडर कितना है 0, ठीक है। तो देखो किसी की भी पावर 0 होगी तो वो तो 1 हो गया, तो यहां से क्या हुआ −4 की पावर 2 प्लस यहां से क्या हुआ −4 की पावर 2, मतलब 16 + 16 दैट इज 32 क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 1 ± i की पावर 13 +1 − i की पावर 13। अच्छा पावर कितनी है दोनों की सेम है तो दोनों एक जैसे निकलेंगे, देखो 13 को सोल्व करेंगे आप 4 से डिवाइड करो, 4 × 3 = 12 r, मतलब q की वैल्यू 3 है और r की वैल्यू कितनी है 1 है, तो इसको लिख देते हैं −4 की पावर q, यही है ट्रिक −4 की पावर q क्वेश्चन, मतलब −4 की पावर 3 1 ± i की पावर 1 प्लस। अब इसको सॉल्व करेंगे तो पावर 13 है, 13 को 4 से डिवाइड करोगे तो फिर से वही क्वेश्चन और रिमाइंडर आएगा, तो कीजिए −4 की पावर 3 और 1 ± i की पावर 1, −4 की पावर 3 कॉमन आ गया, क्या बचा 1 ± i +1 − i, यही बचा, आयोटा से आयोटा कैंसिल, क्या हुआ आपके पास 2 × −4 की पावर 3, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये ट्रिक याद रखना, कभी भी इस टाइप से क्वेश्चन आएगा तो आप उसको पूरा सिंप्लीफाई नहीं करोगे, ट्रिक अप्लाई करोगे कि 1 ± i की पावर n, प्लस हो या माइनस हो उसकी पावर n है तो n को आप 4 से डिवाइड कीजिएगा, जो क्वेश्चन आया है और रिमाइंडर आया है उसकी पावर लेके चलेंगे, −4 की पावर क्वेश्चन लेके चलेंगे, और जो भी ये वैल्यू होगी इसकी पावर हम रिमाइंडर लेके चलेंगे और उसको सॉल्व कर देंगे, वो आपका क्या होगा आंसर होगा। ये क्वेश्चन आप खुद ट्राई कीजिएगा, 1 ± i की पावर 5 × 1 − i की पावर 5, 4 ऑप्शन आपके पास गिवन है, यहाँ पे इंटू का निशान है, सेम ऐसे ही सॉल्व करना है, आप खुद ट्राई कीजिएगा, जो भी आंसर आए वो मुझे आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट के ऊपर, नेक्स्ट कंसेप्ट है आपका स्क्वेयर रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर।
कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका स्क्वेयर रूट निकालना हो तो कैसे देखिए, ए प्लस आरटा भी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका स्क्वेयर रूट निकालना हो तो हम उसको शॉर्टकट मेथड से कैसे निकालेंगे, अगर बी की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है तो हम क्या करेंगे, अंडर रूट ऑफ वन बाय टू रूट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस ए, ये टर्म अगर आपको याद है तो फिर आगे का अपने आप लर्न हो जाएगा। देखो यहाँ पे आपके पास प्लस का ए है और यहाँ पे आपके पास माइनस का ए है और पूरी टर्म एज इट इज है, यहाँ पे एक बार प्लस है ए करना है और एक बार माइनस का ए करना है। नेक्स्ट है अगर बी लेस देन जीरो है, नेगेटिव वैल्यू आती है बी की, तो आप उस केस में क्या करोगे, आप यहाँ पे आयोटा है तो आयोटा की जगह पे माइनस आयोटा कर देना और पूरा एज इट इज रहेगा, ठीक है। बी लेस देन जीरो है तो आयोटा की जगह पे माइनस आयोटा और बी ग्रेटर देन जीरो है तो ये वैल्यू आएगी आपकी, ये आपको लर्न होना चाहिए फॉर्मूला। क्वेश्चन है स्क्वेयर रूट ऑफ 5 प्लस 12 आयोटा इज, इसका स्क्वेयर रूट निकालना है तो क्या है फॉर्मूला, देखो सबसे पहले बी कितना है 12, 12 क्या है ग्रेटर देन जीरो तो ये फॉर्मूला लगेगा आपका, तो क्या होगा देखो ए की वैल्यू 5 है बी की वैल्यू 12 है तो पुट कर देते हैं फॉर्मूले में, 1 बाय 2 अंडर रूट ऑफ ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर 25 प्लस 144 प्लस ए मतलब 5 प्लस आयोटा, अब ये एज इट इज वैल्यू लिखनी है बस प्लस की जगह पे माइनस लिखेंगे तो लिख देते हैं 1 बाय 2 25 प्लस 144 प्लस 5 की जगह पे माइनस का 5, ठीक है। अब सोल्व कर देते हैं, देखो स्क्वेयर रूट ऑफ 1 बाय 2 ये कितना होगा आपके पास 169 और 169 का स्क्वेयर रूट कितना होगा 13, तो ये क्या हो गया 13 प्लस 5 प्लस आयोटा 1 बाय 2 13 माइनस 5 18 हुआ, 18 अपॉन 2 रूट 9 प्लस आयोटा 13 में से 5 करेंगे 8 आया, 8 को 2 से डिवाइड करोगे तो 4 और इसके साथ चलेगा हमेशा याद रखना प्लस माइनस का साइन, इनके साथ क्या चलेगा प्लस माइनस का साइन, तो इनके साथ आपका प्लस माइनस का साइन चलेगा साथ में, तो यहाँ पे क्या आया 3 प्लस 2 आयोटा 3 प्लस 2 आयोटा और साथ में क्या है प्लस माइनस, ये क्या हो जाएगा स्क्वेयर रूट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। ये फॉर्मूला लर्न है तो उसके बाद वैल्यू पुट करनी है, उसके अलावा कुछ नहीं करना। अब एक और एग्जांपल देखते हैं, नेक्स्ट है स्क्वेयर रूट ऑफ -7 -24 स्क्वेयर रूट ऑफ -1, देखो आपको पता है आयोटा की वैल्यू किसके इक्वल होती है अंडर रूट -1 के, तो मैं इसको आयोटा लिख सकती हूँ, आपके पास क्या बना -7 -24 आयोटा, इसका स्क्वेयर रूट निकालना है तो देखो बी की वैल्यू क्या है -24 जो कि लेस देन क्या है जीरो, बी की वैल्यू कितनी है -24 जो कि लेस देन क्या है जीरो, तो आप यहाँ पे आप देखोगे ए की वैल्यू कितनी है -7 बी की वैल्यू कितनी है -24, फॉर्मूले में पुट कर देते हैं क्या है फॉर्मूला, देखिए अंडर रूट ऑफ 1 बाय 2 ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर 49 प्लस 5 76 प्लस ए, प्लस ए मतलब माइनस का 7, अब यहाँ पे आएगा माइनस आयोटा, बी की वैल्यू अगर लेस देन जीरो है तो साइन किसका हो जाएगा माइनस आयोटा हो जाएगा और ये वैल्यू फिर एज इट इज माइनस की जगह प्लस कर देंगे इधर 1 बाय 2 49 प्लस 5 76 माइनस की जगह ये क्या हो जाएगा साइन चेंज हो गया प्लस हो जाएगा, ठीक है, और ये पूरी टर्म के साथ प्लस माइनस। अब सोल्व कर देंगे 1 बाय 2 ये आया 625 मतलब 25 माइनस 7 प्लस आयोटा माइनस आयोटा 1 बाय 2 25 प्लस 7 क्या बना 25 में से 7 माइनस करोगे कितना आया 18, तो ये हो जाएगा आपका
1/2 इंटू में 18 माइनस आयोटा 1/2 इंटू में 32, तो क्या बना, सबके साथ प्लस माइनस का साइन चल रहा है। 9, रूट 9 क्या आ जाएगा, 3 माइनस आयोटा 16, और 16 का रूट करोगे तो 4, और इसके साथ प्लस माइनस का साइन, तो स्क्वायर रूट क्या आया आपका, प्लस माइनस 3 माइनस 4 आयोटा क्या हो जाएगा आपका, स्क्वायर रूट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो आपको ये फॉर्मूला लर्न है, तो वैल्यू पुट करनी है और आंसर निकालना है, उसके अलावा आपका कुछ काम नहीं है इसमें। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 4 आयोटा, ये आप खुद ट्राई करके देखना और आंसर देखना कि क्या आता है। 4 ऑप्शन आपके पास गिवन है, जो भी आंसर आए वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। अब चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट के ऊपर। आई होप ये तो क्लियर हो गया होगा कि स्क्वायर रूट निकालना हो कॉम्प्लेक्स नंबर का तो कैसे निकालेंगे। नेक्स्ट कंसेप्ट है आपका, देखिए आपको ये वैल्यू पता होनी चाहिए, ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, माइनस 1 प्लस रूट 3 आयोटा बाय 2। ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू होती है माइनस 1 माइनस रूट 3 आयोटा बाय 2, और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 0 के, और ओमेगा की क्यूब किसके इक्वल होता है, 1 के। ये सारी वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, 1 प्लस ओमेगा प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर की क्यूब किसके इक्वल होगा, 4 ऑप्शन आपके पास गिवन है। तो देखो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1 प्लस ओमेगा प्लस ओमेगा 2 ओमेगा स्क्वायर को लिख सकते हैं, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर और इसकी क्यूब। अब ये जो वैल्यू है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है, तो क्या बचा आपके पास, ओमेगा स्क्वायर की क्यूब बचा, मतलब ओमेगा की पावर 6, इसको हम लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब की पावर 2। ओमेगा क्यूब कितना होता है, 1, तो 1 की पावर 2 कितना हुआ, 1, तो फर्स्ट ऑप्शन क्या होगा आपका, करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है आपके पास 3 प्लस ओमेगा प्लस 2 3 ओमेगा स्क्वायर। अब देखो यहाँ से 3 ओमेगा और 3 ओमेगा स्क्वायर से 3 कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन ले लीजिए, क्या बना, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा और इस पूरे की पावर 6। अच्छा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0 होता है, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या माइनस ओमेगा के इक्वल नहीं होगा, इस ओमेगा को इधर लेके आएंगे तो इसकी वैल्यू माइनस ओमेगा पुट कर दे, क्या आया, माइनस 3 ओमेगा प्लस ओमेगा की पावर 6 माइनस 2 ओमेगा की पावर 6, क्या आया, माइनस 2 की पावर 6, ओमेगा की पावर 6 को हम लिख सकते हैं ओमेगा की क्यूब की पावर 2। ओमेगा क्यूब की वैल्यू कितनी होती है, 1, तो ये तो हो गया 1 पूरा आपका, बचा क्या, माइनस 2 की पावर 6, ये किसके इक्वल होगा, 120, ये किसके इक्वल होगा, 64 के, किसके इक्वल होगा, 64 के, तो ऑप्शन सेकंड क्या होगा आपका, करेक्ट ऑप्शन होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर और पूरे की पावर 7 क्या होगा। देखो 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू हम पुट कर सकते हैं यहाँ से हम बोल सकते हैं 1 प्लस ओमेगा इक्वल होगा माइनस ओमेगा स्क्वायर के। अगर हमें ये वैल्यू पता है तो हम किसी भी दो वैल्यू का सम निकाल सकते हैं, तो 1 प्लस ओमेगा इक्वल हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर के, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दें, माइनस ओमेगा स्क्वायर और माइनस ओमेगा स्क्वायर और इसकी पावर कितनी है, 7। तो ये देखो माइनस ओमेगा स्क्वायर कितना हो गया, माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर की पावर 7, माइनस 2 की पावर 7 और ओमेगा स्क्वायर की पावर 7 मतलब ओमेगा की पावर 14, इसको हम लिख सकते हैं, देखो माइनस 2 की पावर 7 तो हो गया माइनस 128, ओमेगा की पावर 14 को हम लिख सकते हैं ओमेगा की पावर क्यूब की पावर 4 इंटू में ओमेगा का स्क्वायर 12 और पावर प्लस 2, तो हो गया ना ओमेगा की पावर 14। तो यहाँ से ये वैल्यू तो कितनी हो गई आपके पास, 1 हो गई, ओमेगा की क्यूब क्या होती है, 1, तो ये क्या बचा आपका, साथ में फिर क्या बचा, ओमेगा स्क्वायर, तो वैल्यू आई माइनस 128 इंटू में ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो
वन प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर की पावर 5 प्लस वन माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की पावर 5 माइनस 32 इज इक्वल टू क्या होगा। फोर ऑप्शन आपके पास गिवन है, तो कैसे करेंगे देखिए, हम वन प्लस ओमेगा की वैल्यू पुट कर सकते हैं। क्या वैल्यू पुट करेंगे, माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो वैल्यू पुट करेंगे तो ये माइनस ओमेगा स्क्वायर और माइनस ओमेगा स्क्वायर, माइनस टू ओमेगा स्क्वायर की पावर 5 हो गया, प्लस यहां से 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर सकते हैं, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू, माइनस ओमेगा, माइनस ओमेगा पुट करेंगे तो एक माइनस ओमेगा ऑलरेडी है तो माइनस टू ओमेगा हो गया ये, और इसकी पावर 5 माइनस 32। अब देखो यहां से माइनस टू की पावर 5 माइनस 32, ओमेगा की पावर 10, फिर यहाँ पे फिर माइनस टू की पावर 5 करोगे तो माइनस का 32, ओमेगा की पावर 10 माइनस 32, माइनस 32 कॉमन लिया, क्या बचा आपके पास, ओमेगा की पावर 10 प्लस ये ओमेगा की पावर 5, ओमेगा की पावर 5 प्लस 1। अभी देखो ये वैल्यू किसके इक्वल होती है, जीरो के इक्वल होती है। इसका भी एक ट्रिक है देखिए, या तो आप ये लर्न कर लीजिए, वन प्लस ओमेगा की पावर एन प्लस ओमेगा की पावर टू एन थ्री होगी या जीरो होगी। थ्री कब होगी, अगर ये एन जो है थ्री का मल्टीपल होगा, एन क्या होगा थ्री का मल्टीपल, इफ एन क्या होगा मल्टीपल ऑफ थ्री, अगर एन थ्री का मल्टीपल होगा तो हम डायरेक्ट बोलेंगे कि ये वैल्यू थ्री आएगी, अगर n 3 का मल्टीपल नहीं होगा तो हम बोलेंगे ये वैल्यू क्या आएगी, जीरो। तो देखो यहाँ पे n की जगह पे क्या है 5, ये n का काम करता है, ये 2n का काम करता है, 2 इंटू में 5, तो n की वैल्यू कितनी है 5, और 5 जो है वो मल्टीपल नहीं है 3 का, नहीं है 3 का, तो इसका मतलब ये पूरी वैल्यू क्या आ गई, जीरो। तो ये वैल्यू इंटू में जीरो करोगे तो वैल्यू क्या आएगी, जीरो। तो ऑप्शन फर्स्ट क्या होगा आपका, करेक्ट ऑप्शन होगा। जिसको ये ट्रिक लर्न नहीं है वो डायरेक्ट भी कर सकता है, ओमेगा की पावर 10 को आप लिख सकते हो ओमेगा की पावर 9 और इंटू में ओमेगा, ऐसे इसको ओमेगा की क्यूब इंटू में ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 करके, फिर तब भी आपकी वैल्यू इसकी क्या आएगी, जीरो आएगी। तो ये ट्रिक जिसको लर्न नहीं है वो सिंपल तरीके से कर सकता है, जिसको पता है कि अगर एन थ्री का मल्टीपल आ जाता है और साथ में ओमेगा की पावर 2n आ जाता है तो वो 3 हो जाएगा, अगर एन मल्टीपल नहीं होता 3 का तो वो वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। ये क्वेश्चन आप खुद ट्राई कीजिएगा, फोर ऑप्शन आपके पास गिवन है, आंसर बता देना मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अब चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट के ऊपर कि किस कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट है, अगर आपके पास z1 अपॉन z2 की फॉर्म में कोई कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है, z1 बाय z2 की फॉर्म में कोई कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है और उसको आपको x प्लस आल्टा y की फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो आप कैसे करोगे। देखिए हम इसका रैशनलाइजेशन करेंगे, जैसे क्वेश्चन है 11 माइनस 7 आयोटा ओवर 1 प्लस आयोटा इक्वल है x प्लस आल्टा y के, तो हमें x और y की वैल्यू बतानी है क्या होगी। तो इसको x प्लस आल्टा y के साथ कंपेयर डायरेक्ट तो नहीं कर सकते हम, इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा x प्लस आल्टा y की फॉर्म में। तो कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका रैशनलाइजेशन करेंगे, क्या करेंगे 11 माइनस 7 आयोटा अपॉन में 1 प्लस आयोटा, नीचे जो भी टर्म है उसका यहाँ पे प्लस का साइन है तो यहाँ माइनस का साइन लेके चलेंगे, उसी से मल्टीप्लाई बोथ साइड ऊपर भी और नीचे भी, तो क्या बना देखो 11 माइनस 11 आयोटा माइनस 7 आयोटा प्लस 7 आयोटा का स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर। अब हमें पता है आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, माइनस 1 के, किसके इक्वल होता है माइनस 1 के, तो वैल्यू पुट कर देते हैं आयोटा की, देखो क्या आया 11 और माइनस का 7, ये आया 11 आयोटा स्क्वायर माइनस का 7, माइनस 11 और 7 कितना हो गया 18 आयोटा अपॉन में 1 प्लस 1 2, क्या हुआ 11 में से 7 माइनस करोगे तो 4 माइनस 18 आयोटा अपॉन 2,
तो क्या आया देखो, 2 - 9 iota, और ये किसके इक्वल गिवन है, x प्लस आयोटा y के। तो कंपेयर करेंगे तो x क्या है, रियल नंबर, किसके इक्वल होगा 2 के, और y किसके इक्वल होगा, इमेजिनरी को इमेजिनरी से करते हो तो इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के इक्वल होता है, रियल पार्ट रियल के। तो y की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, माइनस का 9 के। तो आपका सेकंड ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, कभी भी ऐसे वैल्यू निकालनी हो आपको और जेड वन और जेड टू की फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन हो, तो आप उसको क्या करोगे, पहले उसका रैशनलाइजेशन करोगे और फिर उसको आप सोल्व करोगे और फिर देखोगे कौन सा रियल पार्ट है और कौन सा इमेजिनरी पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए प्लस आयोटा बी इज इक्वल टू 3 - 2 iota ओवर 7 + 4 iota। तो हमें ए माइनस बी की वैल्यू निकालनी है, क्या होगी, सबसे पहले इसको कन्वर्ट करना होगा हमें, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, रैशनलाइजेशन करेंगे। तो देखो कैसे करेंगे, 3 - 2 iota ओवर 7 + 4 iota, इसका रैशनलाइज करो, 7 - 4 iota से ऊपर भी मल्टीप्लाई और नीचे भी मल्टीप्लाई, क्या बना आपका, 3 × 7 = 21, माइनस माइनस प्लस -8, इसको सिंपल मल्टीप्लाई करना है, 3 × 4 = 12 और 2 × 7 = 14, तो क्या बना आपके पास, माइनस का 12 iota माइनस का 14 iota अपॉन में 49 + 16। क्या देखो, अगर यहाँ पे प्लस का साइन है यहाँ पे माइनस का साइन है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर दीजिए, 7 का स्क्वायर + 14 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बना आपके पास, 21 में से 8 माइनस करोगे 13, माइनस 26 आयोटा अपॉन में 65। अब कंपेयर करोगे तो ए की ये वैल्यू किसके इक्वल गिवन है, ए प्लस आयोटा बी के इक्वल है। कंपेयर किया तो ए की वैल्यू क्या आई आपके पास, 13/65। बी की वैल्यू क्या आई, माइनस का 26/65, रियल पार्ट रियल के इक्वल, इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के इक्वल। तो ए की वैल्यू ये आ गई, बी की वैल्यू ये आ गई, हमें निकालना है ए माइनस बी, ए माइनस बी। तो करेंगे 13/65 माइनस माइनस का 26/65, क्या हुआ, 13/65 प्लस 26/65 ऐड करोगे तो कितना आया, 39/65 कैंसिल हो गया, 13 पे ये 3 पे गया, ये 5 पे गया, तो 3/5, तो ऑप्शन फोर्थ क्या होगा आपका, करेक्ट ऑप्शन होगा। तो इस तरीके से आपको कॉम्प्लेक्स नंबर्स का, अगर इस टाइप से फॉर्म में आती है, Z1 by Z2 की फॉर्म में आती है और उसको आपको कन्वर्ट करना है A plus iota B की फॉर्म में, तब आप उसको क्या करोगे, उसका रैशनलाइजेशन करोगे और फिर उसके बाद उसको सॉल्व करोगे, फिर देखोगे कौन सा रियल पार्ट है और कौन सा इमेजिनरी पार्ट है। ठीक है, नेक्स्ट है, ये आप खुद ट्राई करोगे, रियल पार्ट ऑफ दिस इज क्या होगा, 1 + iota^2/3 - iota का रियल पार्ट बताना है क्या होगा, 4 ऑप्शन आपके पास गिवन है, ये आप खुद ट्राई कीजिएगा और इसका भी आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। अब चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट के ऊपर। नेक्स्ट कंसेप्ट है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना हो कॉम्प्लेक्स नंबर का तो कैसे करेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर का इनवर्स किसके इक्वल होगा, उसके कॉन्जुगेट के, जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका कॉन्जुगेट लो अपॉन में उसका मॉडुलस और उसका स्क्वेयर कर दो। तो देखो, अगर z की वैल्यू अगर आपके पास x प्लस आयोटा y है, तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, x माइनस आयोटा y, आयोटा की जगह पे माइनस आयोटा कर देते हैं, और इसका मैं मॉडुलस पूछूं, मॉडुलस ऑफ z, तो क्या होगा, अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, और उसका हमें क्या लेना है, स्क्वायर लेना है, तो मॉडुलस ऑफ z स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। तो यही वैल्यू हमें निकालनी है। देखो यहाँ पे आपके पास x की वैल्यू √5 है और y की वैल्यू कितनी है, 3, तो z इनवर्स क्या हो जाएगा आपका, z इनवर्स इसका कॉन्जुगेट ऑफ 5 + 3 iota का कॉन्जुगेट अपॉन में मॉडुलस ऑफ दिस का स्क्वायर, मतलब 5 का स्क्वायर
रूट फाइव का स्क्वायर 5 प्लस 3 का स्क्वायर 9। देखो इसका कॉन्जुगेट कैसे करते हैं, आयोटा की जगह पे माइनस आयोटा कर दीजिए, रूट फाइव माइनस 3 आयोटा अपॉन में 14 क्या हो जाएगा आपका, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स होगा इस फंक्शन का। ठीक है, जिसने प्रैक्टिस कर रखी है वो ये स्टेप लिखेगा नहीं, वो डायरेक्ट क्या करेगा, इसकी आयोटा की जगह पे माइनस आयोटा करेगा और इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, दोनों नंबर के स्क्वायर का सम करो और क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट, अगर इसी टाइप का क्वेश्चन देखें तो कैसे करेंगे, 4 प्लस 5 आयोटा, 4 प्लस 5 आयोटा है और इसका हमें मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स निकालना है, तो क्या करेंगे, देखो z इनवर्स किसके इक्वल होगा, अगर ये z के इक्वल है तो z इनवर्स किसके इक्वल होगा, आयोटा की जगह पे माइनस आयोटा कर दीजिए, तो 4 माइनस 5 आयोटा हो गया अपॉन में 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 16 प्लस 25, 4 माइनस 5 आयोटा अपॉन में 41, ये क्या हो गया आपका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ दिस फंक्शन। ठीक है, अगर इसका निकालना हो आपको z इज इक्वल टू में 2 माइनस 3 आयोटा और इसने बोला है इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या होगा, तो उस केस में क्या होगा, z इनवर्स किसके इक्वल होगा, आयोटा की जगह पे मैंने बोला माइनस आयोटा कर देना और माइनस ऑलरेडी है तो प्लस का साइन हो जाएगा, यहाँ पे माइनस है तो फिर यहाँ पे प्लस का साइन हो गया अपॉन में इसका स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 2 प्लस 3 आयोटा अपॉन 13 क्या हो जाएगा आपका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं अगर मॉडुलस निकालना हो, जेड वन अपॉन जेड टू का मॉडुलस निकालना हो तो हम कैसे करेंगे। नेक्स्ट कंसेप्ट है, देखिए मॉडुलस ऑफ जेड वन बाय जेड टू, जेड वन बाय जेड टू कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है, उसका मॉडुलस निकालना हो तो कैसे करेंगे, जेड वन का मॉडुलस निकाल दो और जेड टू का मॉडुलस निकाल दो। ठीक है, और मॉडुलस ऑफ जेड वन इंटू जेड टू गिवन हो तो मॉडुलस ऑफ जेड वन इंटू मॉडुलस ऑफ जेड टू हो जाता है। जैसे अगर आपके पास जेड है एक्स प्लस आयोटा वाई, तो इसका मॉड क्या होता है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यही करते हो तो ऐसे ही सोल्व करेंगे। देखिए ये z1 by z2 की फॉर्म में है तो ऊपर वाले का मोड अलग से करेंगे, नीचे वाले का अलग से, क्या करते हैं, मॉडुलस ऑफ 2 प्लस आयोटा और मॉडुलस ऑफ 3 प्लस 2 आयोटा, इसका मोड करेंगे तो क्या आएगा, अंडर रूट 4 प्लस 1, इसका करेंगे तो क्या आएगा, अंडर रूट 9 प्लस 4, ऊपर आया रूट 5 अपॉन में नीचे आया रूट 13, तो मतलब 5 अपॉन क्या आया आपका, 5 अपॉन 13, मतलब फर्स्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास 1 प्लस 2 आयोटा और 2 माइनस आयोटा ओवर 3 माइनस 4 आयोटा और हमें निकालना है इसका मोड क्या होगा, इसका मॉडुलस निकालना है क्या होगा, तो देखो ये z1 इंटू में z2 की फॉर्म में आ रहा है तो मॉडुलस ऑफ हम निकालेंगे मॉडुलस ऑफ 1 प्लस 2 आयोटा का अलग से और 2 माइनस आयोटा का मोड अलग से और अपॉन में 3 माइनस 4 आयोटा का मोड, तो क्या बना ऊपर वाले का, अंडर रूट 1 प्लस 4, अंडर रूट 1 प्लस 4, इस वाले का मोड ओपन करोगे तो क्या आएगा, 4 प्लस 1 अपॉन में अंडर रूट 9 प्लस 16, तो यहाँ पे 5 इंटू में 5, रूट 5 इंटू में रूट 5, 5 हुआ अपॉन में अंडर रूट 25 है तो 5 दैट इज 1, तो मतलब इसका मॉडुलस अगर ओपन करोगे तो क्या हो जाएगा 1। तो ये दोनों मेथड याद रखना, अगर z1 बाय z2 की फॉर्म में है कॉम्प्लेक्स नंबर तो उसका मॉडुलस निकालना हो तो क्या करोगे, मॉडुलस ऑफ z1 अपॉन मॉडुलस ऑफ z2, और अगर इस फॉर्म में है z1 इंटू z2 की फॉर्म में है, जैसे यहाँ पे दिख रहा है आपको z1 इंटू z2 की फॉर्म में है तो क्या करोगे, z1 का मोड अलग से लोगे, z2 का अलग से लोगे, तो z1 का मोड और z2 का मोड और अपॉन में है तो z का अलग से इसका मोड और इसको आप सिंप्लीफाई करोगे और मॉडुलस सबको निकालना आता है, कैसे करते हैं, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट के ऊपर। नेक्स्ट है, नोट है आपके पास, सम ऑफ 4 कंजिटिव पावर ऑफ आयोटा इज ऑलवेज 0, मींस क्या है, कोई कंटिन्यूअस पावर चल रही है आयोटा की
तो वो अगर 4 का सम चल रहा है तो वो क्या हो जाएगा, 0। जैसे यहाँ पे पावर अगर n है तो फिर पावर n प्लस 1 होनी चाहिए, फिर n प्लस 2 होनी चाहिए, फिर n प्लस 3 होनी चाहिए, लगातार चल रही है ये पावर। तो ऐसी पावर है अगर आयोटा की और 4 नंबर्स हैं आयोटा वाले, तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या हो जाएगी, 0। उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। जैसे देखो यहाँ पे आयोटा की पावर 1000 है, फिर 1001, फिर 1002, फिर 1003, मतलब कंटिन्यू चल रही है पावर, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, 0। और याद रखना सम कितने का, 4 नंबर होनी चाहिए, 4 टर्म्स हैं, 4 टर्म्स का सम होना चाहिए। ऐसे ही देखो यहाँ पे 80 है, यहाँ पे 81 है, यहाँ पे 82 है, यहाँ पे 83 है, कंटिन्यू चल रही है पावर, तो डायरेक्ट आप क्या लिखोगे, इसका सम क्या होगा, 0 होगा। देखिए सेकेंड नोट है आपके पास कि 1 प्लस आयोटा और 1 माइनस आयोटा इक्वल होता है आयोटा की, और अगर ये माइनस वाले टर्म को ऊपर ले जाएं, इसका रेसिप्रोकल कर दें, तो वैल्यू इक्वल हो जाएगी माइनस आयोटा के। और आप सबको ये भी पता है आयोटा की स्मॉलेस्ट वैल्यू कितनी करें कि आपके पास 1 आए, आयोटा की स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है, 4 करने पे उसकी वैल्यू कितनी आती है, 1 के इक्वल आती है। ठीक है, तो इसके ऊपर बेस्ड दो क्वेश्चन देखते हैं, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। क्वेश्चन है स्मॉलेस्ट इंटीग्रल ऑफ एन फॉर विच, इसकी वैल्यू जो है कि पावर n इक्वल होगा 1 के, तो n की स्मॉलेस्ट वैल्यू बतानी है क्या होगी। तो देखो सबसे पहले 1 प्लस आयोटा और 1 माइनस आयोटा किसके इक्वल होता है, आयोटा के, मतलब हमें बताना है आयोटा की पावर n करने पे 1 आए तो n वो स्मॉलेस्ट वैल्यू बतानी है कि उसकी पावर n करने पे 1 आ जाए। तो n की वैल्यू, स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है जो पावर करने पे 1 दे, n की वैल्यू कितनी होगी, 4। तो यहाँ से n क्या होगा आपका, 4, तो थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सिमिलरली सेकंड क्वेश्चन है कि 1 माइनस आयोटा ओवर 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर किसके इक्वल होगा। देखो 1 माइनस आयोटा ओवर 1 प्लस आयोटा किसके इक्वल होता है, माइनस आयोटा के, तो ये किसके इक्वल होगा, माइनस आयोटा के, और उसका क्या है, स्क्वायर, तो माइनस 1 का स्क्वायर और हम बोल सकते हैं आयोटा का स्क्वायर, तो ये तो 1 हो गया और आयोटा का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, माइनस 1 के, तो फोर्थ ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट पे। नेक्स्ट कंसेप्ट है देखिए मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालनी होगी तब हम कैसे करेंगे, इसके लिए हमारे पास एक ट्रिक है। देखिए अगर z प्लस a लेस देन इक्वल है b के, मॉडुलस ऑफ z प्लस a लेस देन इक्वल टू b, देन मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ मॉडुलस ऑफ z प्लस c क्या होगा। देखो क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, a प्लस b माइनस c। ट्रिक क्या कहती है, a प्लस b माइनस c, c को क्या करोगे, माइनस का, तो वो क्या होगी आपकी जो वैल्यू आएगी वो मैक्सिमम वैल्यू होगी। और अगर मिनिमम वैल्यू निकालनी होगी तो हम a को माइनस का लिखेंगे, प्लस b और प्लस c इन दोनों को हम ऐड करेंगे, तो जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी आपकी, मिनिमम वैल्यू होगी। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है मॉडुलस ऑफ z प्लस 4 लेस देन इक्वल टू 3, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मॉडुलस ऑफ z प्लस 1। अब देखो यहाँ पे a की जगह पे ये है, b की जगह पे ये है और c की जगह पे 1 है, तो देखो मैक्सिमम वैल्यू पूछी है उसने, मैक्सिमम वैल्यू के लिए हमने क्या कहा था, मैक्सिमम वैल्यू के लिए हमने क्या बोला था कि a प्लस बी माइनस सी, ए प्लस बी माइनस सी। तो देखो a की जगह पे क्या है, 4, प्लस b की जगह पे क्या है, 3, और c की जगह पे क्या है, 1, तो माइनस का 1 कितना हुआ, 7 में से 1 माइनस करोगे 6, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, 6। ऑप्शन फर्स्ट क्या होगा आपका, करेक्ट ऑप्शन होगा। सेकंड है देखिए a की वैल्यू कितनी है, 5, b की वैल्यू कितनी है, 6, और c की वैल्यू कितनी है, 2। हमें निकालना क्या है अब, मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू के लिए क्या है, माइनस का a प्लस का b प्लस का c। मिनिमम वैल्यू के लिए क्या है हमारे पास, ट्रिक क्या है हमारे पास, माइनस का a प्लस का b प्लस का c। a कितना है, 5, तो माइनस का 5 प्लस 6 प्लस 2 कितना हुआ, 8 में से 5 माइनस करोगे कितना आया, 3, तो ऑप्शन फर्स्ट क्या होगा आपका, करेक्ट ऑप्शन। तो याद रखना कभी भी इस फॉर्म में गिवन हो आपके पास मॉडुलस ऑफ z प्लस a लेस देन इक्वल टू b और हमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी हो मॉडुलस ऑफ z प्लस c की, तब हमारे पास ट्रिक क्या है, मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी,
ए प्लस बी माइनस सी, और मिनिमम वैल्यू में क्या हो जाएगा, ए के साथ माइनस का, बी और सी दोनों प्लस के, माइनस का ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आप ऐसे सोल्व करोगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ मॉडुलस ऑफ जेड माइनस टू बाई जेड इज इक्वल टू सिक्स देन द ग्रेटर वैल्यू ऑफ मोड जेड क्या होगा। तो देखो कैसे करेंगे, हम इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे तो क्या बनाइए आपके पास, मॉडुलस ऑफ जेड का स्क्वायर एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे जेड है तो यहाँ इधर आएगा तो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो माइनस का सिक्स जेड, सिक्स मॉडुलस ऑफ जेड और माइनस का टू इज इक्वल टू जीरो। सिंपल तरीके से हमने सोल्व किया, जैसे हम इक्वेशन को सोल्व करते हैं सिमिलरली वैसे ही किया है। एलसीएम लोगे तो आपके पास जेड आएगा, यहाँ पे क्या हुआ जेड स्क्वायर माइनस टू इसका मोड है और इज इक्वल टू में सिक्स, ये जेड इधर आएगा तो सिक्स मोड जेड हो गया, इसको वापस इधर लेके आएंगे तो माइनस का और माइनस का टू, इक्वेशन के फॉर्म में हमने कन्वर्ट करके इसको लिख लिया, ठीक है। अब हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट निकालने आते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जैसे रूट निकालते हैं सिमिलरली इसके भी रूट वैसे ही निकालेंगे। तो आपके पास z की वैल्यू क्या होगी, देखिए 6 प्लस माइनस अंडर रूट 6 का स्क्वायर 36 माइनस माइनस प्लस 8 अपॉन 2, तो क्या आया ये 6 प्लस माइनस अंडर रूट 44 अपॉन 2, इसको लिख सकते हैं 6 प्लस माइनस 2 अंडर रूट 11 अपॉन 2, जब आप इसको डिवाइड करोगे 2 से तो क्या बनेगा 3 प्लस माइनस अंडर रूट 11। तो मोड z की जो वैल्यू है, मोड z की वैल्यू आपके पास एक बार प्लस की आएगी यहाँ पे और एक बार माइनस की, लेकिन इसने पूछी क्या है ग्रेटर वैल्यू, क्या पूछी है ग्रेटर वैल्यू, ग्रेटर तो फिर प्लस की होगी, तो ग्रेटर वैल्यू क्या होगी इसकी, ग्रेटर वैल्यू 3 प्लस अंडर रूट 11 क्या हो जाएगी इसकी ग्रेटर वैल्यू, तो मतलब फोर्थ ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन देखते हैं ताकि कोई डाउट ना रहे आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ मॉडुलस ऑफ z माइनस 4 बाय z इज इक्वल टू 2 देन द ग्रेटर वैल्यू ऑफ मोड z, ग्रेटर या मैक्सिमम कुछ भी बोल सकता है वो बात एक ही है, मोड z की वैल्यू निकालनी है क्या होगी, वही करेंगे हम एलसीएम लेंगे और हम इसको एक इक्वेशन की फॉर्म में लिखेंगे। एलसीएम लेंगे तो क्या बना आपका, मॉडुलस ऑफ जेड का स्क्वायर माइनस का टू मोड जेड माइनस का फोर इज इक्वल टू जीरो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट निकालने आते हैं हमने वैसे ही निकालेंगे, मोड जेड इज इक्वल टू में टू प्लस माइनस अंडर रूट टू का स्क्वायर प्लस फोर इंटू में फोर सिक्सटीन अपॉन टू, जैसे सिंपल इक्वेशन के रूट निकालते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सिमिलरली वैसे ही निकाले हैं हमने, ये क्या हुआ 2 प्लस माइनस अंडर रूट 20 अपॉन 2, इसको हम लिख सकते हैं 2 प्लस माइनस 4 अंडर रूट 5 अपॉन 2, 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 प्लस माइनस अंडर रूट 5, मोड z की वैल्यू आपके पास आ गई 1 प्लस माइनस अंडर रूट 5, लेकिन इसने पूछी क्या है ग्रेटर वैल्यू, ग्रेटर वैल्यू क्या होगी प्लस वाली, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 1 प्लस अंडर रूट 5 क्या हो जाएगा आपका आंसर होगा, तो सेकंड ऑप्शन आपका क्या होगा करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आप खुद ट्राई करना, इफ मॉडुलस ऑफ जेड माइनस टू बाई जेड इज इक्वल टू टू देन द ग्रेटर वैल्यू ऑफ मोड जेड क्या होगा, ये आप खुद ट्राई करना, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। फोर ऑप्शन आपके पास गिवन है, सेम वैसे ही है, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में लिख लेना और फिर जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट निकालते हो सिमिलरली वैसे ही आपको इसके रूट निकालने हैं, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट पे, नेक्स्ट है आपके पास पोलर फॉर्म, काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए अगर कॉम्प्लेक्स नंबर जेड है आपके पास एक्स प्लस आयोटा वाई की फॉर्म में, तो पोलर फॉर्म कैसे होगी उसकी, z इज इक्वल टू में r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में लिखने के लिए कैसे लिखते हैं, z इज इक्वल टू में r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। r क्या है यहाँ पे देखो, r कैसे निकालते हैं, सबसे पहले जो रियल पार्ट है उसको किसके इक्वल होता है r cos थीटा के, और जो इमेजिनरी पार्ट है y उसको लिखते हैं r साइन थीटा के। जब आप इन दोनों नंबर्स का स्क्वायर करते हो तो यहाँ पे आया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर,
और यहाँ पे आप स्क्वेयर करोगे आर स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर, और कोस स्क्वेयर प्लस साइन स्क्वेयर तो वन हो जाता है, तो हम बोल सकते हैं आर स्क्वेयर किसके इक्वल हो गया, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर के। तो पोलर फॉर्म को आप ऐसे रिप्रेजेंट करते हो, ये आपको पता होना चाहिए कि अगर एक्स प्लस आयोटा वाई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसको पोलर फॉर्म में कैसे लिखोगे, जेड इज इक्वल टू में आर कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो देखो हमने क्या बोला है, जो रियल पार्ट है उसको हम इक्वल लेके चलते हैं आर कोस थीटा के, तो लेके चलते हैं यहाँ पे रियल क्या है वन, तो वन किसके इक्वल होगा आर कोस थीटा के। ऐसे ही इमेजिनरी पार्ट जो है रूट थ्री वो किसके इक्वल होगा आर साइन थीटा के। अब स्क्वेयर करेंगे बोथ साइड तो क्या होगा आपका, देखो वन प्लस थ्री रूट थ्री का स्क्वेयर थ्री इज इक्वल टू में आर स्क्वेयर, यहाँ पे क्या आया कोस स्क्वेयर प्लस साइन स्क्वेयर, तो ये तो वैल्यू क्या हो गई आपकी वन, तो यहाँ से आर स्क्वेयर किसके इक्वल आ गया फोर के, तो आर की वैल्यू क्या आई टू। नेगेटिव वाली जो वैल्यू है वो हम नहीं लेके चलेंगे, उसको नेग्लेक्ट कर देंगे, आर की वैल्यू क्या आई आपके पास टू आ गई। ठीक है, अभी देखो यहाँ से आपके पास आर की वैल्यू जब टू पुट करोगे तो कोस थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, कोस थीटा वन अपॉन टू कर दूं मैं, आर को इधर लेके आऊंगी तो वन अपॉन आर, और आर की वैल्यू है कितनी टू, तो कोस थीटा कितना हो गया वन बाय टू। सिमिलरली यहां से हम साइन थीटा निकाल सकते हैं, साइन थीटा क्या होगा आपके पास देखो रूट थ्री अपॉन आर, और आर कितना है टू, रूट थ्री अपॉन टू। अब यहां से देखो कोस थीटा वन बाय टू किस पे होता है, जब थीटा की वैल्यू कितनी होती है 60। सिमिलरली साइन थीटा रूट थ्री बाय टू कब होता है, जब थीटा की वैल्यू कितनी होती है 60। दोनों एंगल सेम होने चाहिए, ये भी 60 पे होता है ये भी 60 पे होता है, तो थीटा की ओवरऑल वैल्यू क्या होगी 60 होगी। तो अब हम कैसे लिखेंगे, देखो थीटा भी मिल गया हमें आर भी मिल गया हमें, पोलर फॉर्म में लिख दें अब हम, तो देखो क्या आया जेड इज इक्वल टू में आर, आर की वैल्यू क्या आई आपके पास टू, कोस थीटा की जगह पे क्या लेना है 60, कोस 60 प्लस आयोटा साइन 60। ठीक है, अभी कोस 60 कितना होता है वन बाय टू, और प्लस आयोटा साइन 60 कितना होता है रूट थ्री बाय टू। तो आप देखो इनको आप यहीं तक लिखोगे, ज्यादा सिंप्लीफाई नहीं करेंगे, अगर उसमें ऑप्शन में गिवन होगा तो ही करेंगे, अदरवाइज आपका यहाँ पे आंसर हो जाता है टू कोस 60 प्लस आयोटा साइन 60, या आप ऐसे भी लिख सकते हो टू कोस 60 को लिख सकते हो पाई बाय थ्री प्लस आयोटा साइन पाई बाय थ्री, ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। तो पोलर फॉर्म आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, जो आपका रियल पार्ट है उसको आप लिखोगे आर कोस थीटा, जो इमेजिनरी पार्ट है उसको लिखोगे आर साइन थीटा। अब स्क्वेयर कर देना बोथ साइड, हर बार आपको कोस स्क्वेयर प्लस साइन स्क्वेयर लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिखना आर स्क्वेयर इक्वल है इसके स्क्वेयर प्लस इसके स्क्वेयर के। तो यहाँ से नेगेटिव वैल्यू नेग्लेक्ट कर देंगे, तो आर की वैल्यू कितनी आई आपके पास टू आई। अब हमें पता है यहाँ पे कोस थीटा किसके इक्वल होगा वन अपॉन आर के, तो वन अपॉन आर की वैल्यू हमें पता है पुट कर दिया, ऐसे ही साइन थीटा आ गया। अब इन दोनों से हम थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे, अब आर भी आ गया थीटा भी आ गया, पोलर फॉर्म हमें पता है ये है, वैल्यू पुट कर देंगे आंसर आ जाएगा। इसी टाइप का और क्वेश्चन देखते हैं जिससे क्लियर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जेड इज इक्वल टू माइनस फोर प्लस आयोटा फोर रूट थ्री। तो देखो वही करेंगे, रियल पार्ट को किसके इक्वल लिखेंगे आर कोस थीटा के, तो यहाँ पे माइनस फोर किसके इक्वल हो गया आर कोस थीटा के, तो फोर रूट थ्री किसके इक्वल हो गया फोर रूट थ्री आर साइन थीटा के। स्क्वेयर बोथ साइड करो तो और सम कर दो, फोर का स्क्वेयर 16, इसका स्क्वेयर करोगे तो 16 इंटू में थ्री दैट इज 48 इज इक्वल टू में आर स्क्वेयर, तो यहां से आर स्क्वेयर की वैल्यू आ गई आपके पास 64, तो आर की वैल्यू क्या आ गई 8, नेगेटिव वैल्यू को हम नेग्लेक्ट कर देंगे, आर की वैल्यू क्या आ गई 8। तो यहां से हम नोटिस करेंगे कोस थीटा किसके इक्वल होगा, कोस थीटा किसके इक्वल होगा माइनस फोर अपॉन आर के, और माइनस फोर अपॉन आर है कितना 8,
दैट इज माइनस वन बाय टू, तो हम क्या बोलेंगे, कोस थीटा हमारे पास कितना आ गया, माइनस वन बाय टू। सिमिलरली साइन थीटा निकालेंगे, साइन थीटा किसके इक्वल होगा, फोर रूट थ्री अपॉन आर के, और आर की वैल्यू है कितनी, एट, फोर रूट थ्री अपॉन एट, फोर टू जा एट, दैट इज रूट थ्री बाय टू। कोस थीटा आया आपके पास माइनस वन बाय टू, और साइन थीटा आया आपके पास रूट थ्री बाय टू। तो यहां से हम बोल सकते हैं थीटा किसके इक्वल होगा, पाई माइनस पाई बाय थ्री के, पाई माइनस पाई बाय थ्री के इक्वल होगा। तो यहां से किसके इक्वल आया, टू बाय थ्री के। तो हमारे पास थीटा भी आ गया, आर भी आ गया, पोलर फॉर्म में लिख सकते हैं अब हम, जेड इज इक्वल टू में आर, आर कितना है एट, कोस थीटा, थीटा की जगह पे टू पाई बाय थ्री, प्लस आयोटा साइन टू पाई बाय थ्री। ये क्या होगी, इसकी पोलर फॉर्म होगी किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की। आई होप समझ आ गया होगा, फिर भी कोई डाउट हो किसी को तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जेड इज इक्वल टू माइनस वन प्लस आयोटा क्या होगा। तो वही करेंगे, देखिए क्या करते हैं हम, जो रियल पार्ट है उसको हम लिख देंगे आर कोस थीटा। रियल पार्ट क्या है यहाँ पे, माइनस वन, तो माइनस वन इक्वल होगा आर कोस थीटा के, और आयोटा के साथ कोफिशियंट कितना है वन, तो वन किसके इक्वल होगा, आर साइन थीटा के। स्क्वेयर बोथ साइड करेंगे और सम करेंगे, इसका स्क्वेयर करेंगे तो कितना आएगा, वन, प्लस इसका स्क्वेयर करेंगे तो वन इज इक्वल टू में आर स्क्वेयर। तो आर की वैल्यू क्या आई आपके पास, रूट टू, आर की वैल्यू क्या आई, रूट टू। यहां से देखो कोस थीटा किसके इक्वल होगा, कोस थीटा आपका इक्वल होगा किसके, देखो माइनस वन अपॉन आर के, माइनस वन अपॉन आर के। तो यहां से आर की वैल्यू क्या है, माइनस वन बाय रूट टू। तो हम क्या बोलेंगे, कोस थीटा किसके इक्वल हो गया, माइनस वन बाय रूट टू के। ऐसे ही साइन थीटा किसके इक्वल होगा, साइन थीटा इक्वल होगा वन अपॉन आर के, तो मतलब वन अपॉन रूट टू के हो गया। तो यहां से साइन थीटा किसके इक्वल हो गया आपका, वन अपॉन रूट टू के। तो इन दोनों से हम क्या निकालेंगे, थीटा कितना किसके इक्वल होगा, पाई माइनस पाई बाय फोर के, क्योंकि देखो आप कोस पाई माइनस पाई बाय फोर करोगे तो वो माइनस का वन बाय रूट टू आएगा, और साइन के साथ करोगे तो पाई माइनस पाई बाय फोर होगा। और वैसे भी आप नोटिस करोगे, देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो साइन कोस और ये पॉजिटिव होते हैं, और सेकंड क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है, नेगेटिव, और साइन क्या होता है, पॉजिटिव। तो जाहिर सी बात है जो ये एंगल आएगा आपका वो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट मतलब पाई माइनस पाई बाय फोर आएगा, क्योंकि वन बाय रूट टू कब होता है, जब पाई बाय फोर पे होता है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में ही हमारे पास कोस नेगेटिव होगा और साइन पॉजिटिव होगा, तो हम क्या करेंगे, पाई माइनस पाई बाय फोर करेंगे। पाई बाय फोर इसलिए किया है क्योंकि ये वैल्यू कितनी है, वन बाय रूट टू, तो साइन थीटा वन बाय रूट टू किसके ऊपर होता है, पाई बाय फोर के ऊपर होता है, और सेकंड क्वाड्रेंट में है इसलिए पाई माइनस पाई बाय फोर करेंगे। ठीक है, थीटा की वैल्यू आ गई, आर की वैल्यू आ गई, पोलर फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, जेड इज इक्वल टू में आर, आर कितना है रूट टू, कोस पाई माइनस पाई बाय फोर किसके इक्वल होगा, थ्री पाई बाय फोर के, तो कोस थ्री पाई बाय फोर, प्लस आयोटा साइन थ्री पाई बाय फोर। ये क्या हो गया आपका, आंसर हो जाएगा। तो पोलर फॉर्म में अगर कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखना होगा तो हम ऐसे सॉल्व करेंगे। आई होप आपको समझ आ गया होगा, फिर भी कोई परेशानी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जेड इज इक्वल टू में रूट थ्री प्लस आयोटा, ये क्वेश्चन आप खुद ट्राई करना, फोर ऑप्शन आपके पास गिवन है, जो भी करेक्ट ऑप्शन होगा वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना कि कौन सा करेक्ट आया है। ये मैं आपको इसलिए बोलती हूँ करने के लिए ताकि आपके साथ साथ प्रैक्टिस भी होती रहे, नहीं तो आप ये सोचोगे कि हाँ भाई हमने देखा, हमें समझ आ गया, हो गया क्लियर, अब चलो। लेकिन अब जब आप खुद करके देखोगे अपने हाथों से तो पता चलेगा कि आपका जो कंसेप्ट है वो क्लियर हुआ भी है या नहीं हुआ है। इसीलिए इन क्वेश्चंस को करके जरूर देखिएगा,
अब चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर। नेक्स्ट आपका टॉपिक है आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। कैसे निकालते हैं देखिए, अगर जेड इज इक्वल टू में एक्स प्लस आयोटा वाई की फॉर्म में है जेड आपका कॉम्प्लेक्स नंबर, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड क्या होगा, टेन इनवर्स मॉडुलस ऑफ वाई बाई एक्स। अगर ये लाई करेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा मीन्स एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव नंबर होंगे तभी तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तब उस केस में आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड क्या होगा, टेन इनवर्स वाई बाई एक्स का मोड। सेकंड है अगर वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, देखो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो एक्स नेगेटिव होगा और वाई पॉजिटिव होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो एक्स नेगेटिव और वाई पॉजिटिव, तब उस केस में क्या होगा, पाई माइनस टेन इनवर्स मोड ऑफ वाई बाई एक्स। अगर वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो एक्स भी नेगेटिव और वाई भी नेगेटिव, एक्स भी नेगेटिव और वाई भी नेगेटिव, अगर दोनों नेगेटिव होंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड होगा आपका टेन इनवर्स मोड ऑफ वाई बाई एक्स माइनस पाई। देखो सेकंड वाला सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो पाई माइनस कर देंगे और थर्ड वाले में से क्या करेंगे, टेन इनवर्स मोड ऑफ वाई बाई एक्स में से पाई माइनस कर देंगे, और फोर्थ में क्या हो जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा आपका एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव, तब उस केस में क्या होगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड माइनस टेन इनवर्स मोड ऑफ वाई बाई एक्स। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन है आपका आर्ग्यूमेंट ऑफ माइनस वन माइनस आयोटा इज, फोर ऑप्शन आपके पास गिवन है। सबसे पहले देखो यहाँ पे एक्स, एक्स भी नेगेटिव और वाई भी नेगेटिव, आप नोटिस करोगे तो एक्स की वैल्यू कितनी है माइनस वन और वाई की वैल्यू भी कितनी है माइनस वन, इसको कंपेयर करोगे एक्स प्लस आयोटा वाई के साथ तो एक्स की वैल्यू भी माइनस वन और वाई की वैल्यू भी माइनस वन। अच्छा ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, एक्स भी नेगेटिव वाई भी नेगेटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा तो फॉर्मूला क्या है, टेन इनवर्स वाई बाई एक्स माइनस पाई, तो लगा देते हैं देखो टेन इनवर्स मोड ऑफ वाई बाई एक्स मतलब वन बाई वन हो जाएगा, मोड है तो नेगेटिव वैल्यू का कोई रोल नहीं है, माइनस पाई माइनस पाई, टेन इनवर्स वन किस पे होता है, पाई बाई फोर पे, माइनस पाई कितना हुआ माइनस थ्री पाई बाई फोर, क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, तो थर्ड ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। तो इस तरीके से सबसे पहले आपको चेक करना होगा गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर जो है कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो हम सिंपली टेन इनवर्स वाई बाई एक्स निकाल देंगे, सेकंड में लाई करेगा तो पाई में से टेन इनवर्स वाई बाई एक्स माइनस करेंगे, थर्ड में लाई करेगा तो टेन इनवर्स मोड ऑफ वाई बाई एक्स में से पाई माइनस करेंगे, और फोर्थ में लाई करेगा तो हम ये अप्लाई करेंगे। ठीक है, एक दो और एग्जाम्पल देखते हैं ताकि क्लियर हो आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्ग्यूमेंट ऑफ वन बाई टू माइनस आयोटा बाई टू इज क्या होगा। सबसे पहले हमें ये चेक करना होगा ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, देखो एक्स की वैल्यू क्या है वन बाई टू और वाई की वैल्यू क्या है माइनस वन बाई टू, एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, एक्स का पॉजिटिव और वाई नेगेटिव फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए क्या है माइनस का टेन इनवर्स मोड ऑफ वाई बाई एक्स मतलब माइनस का टेन इनवर्स, तो मतलब आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड किसके इक्वल होगा, माइनस का टेन इनवर्स वाई बाई एक्स वन बाई टू इंटू में टू बाई वन, नेगेटिव साइन हम इसलिए नहीं लेके चल रहे क्योंकि वो मोड में जाने के बाद वो प्लस ही हो जाएगा, तो टू से टू कैंसिल हो गया, ये कितना बचा माइनस का टेन इनवर्स वन दैट इज माइनस पाई बाई फोर, क्या होगा आपका सेकंड ऑप्शन आपका क्या होगा करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है आर्ग्यूमेंट ऑफ वन माइनस आयोटा ओवर वन प्लस आयोटा क्या होगा। सबसे पहले तो इसको हम एक्स प्लस आयोटा वाई की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो गिवन ये टर्म है इसका रैशनलाइजेशन करेंगे, क्या होगा वन माइनस आयोटा ओवर वन माइनस आयोटा से ऊपर भी और नीचे भी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या बना आपके पास वन माइनस वन प्लस टू आयोटा माइनस का टू आयोटा अपॉन में वन प्लस वन दैट इज माइनस टू आयोटा ओवर टू, तो मतलब आपके पास क्या वैल्यू आई आयोटा, मतलब जेड किसके इक्वल है माइनस आयोटा के,
अब इसका हमें निकालना है आर्ग्यूमेंट क्या होगा। तो देखो इसको मैं लिख सकती हूँ 0 माइनस आयोटा। तो कंपेयर करेंगे हम तो x की वैल्यू तो क्या आई 0, y की वैल्यू क्या आई माइनस का 1। हमें निकालना है आर्ग्यूमेंट ऑफ z। देखो x पॉजिटिव y नेगेटिव, y नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में होगा, ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो फोर्थ के लिए क्या है, माइनस का टेन इनवर्स y बाई एक्स, माइनस का टेन इनवर्स मोड ऑफ y माइनस का 1 अपॉन x 0। तो मोड के अंदर माइनस का तो कोई रोल नहीं है तो वो वैसे ही प्लस का हो गया। तो ये हो गया माइनस का टेन इनवर्स इन्फिनिटी, तो ये क्या हो गया माइनस का पाई बाई 2 क्या हो गया आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपको आर्ग्यूमेंट ऑफ z निकालना होगा, तो आप ऐसे निकालोगे। अब इसके ऊपर बेस्ड कुछ एक प्रॉपर्टी है वो मैं बता देती हूँ आपको। इसकी प्रॉपर्टीज हैं, देखिए आर्ग्यूमेंट ऑफ z प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ z कॉन्जुगेट हमेशा किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है। आर्ग्यूमेंट ऑफ z कॉन्जुगेट इक्वल होगा माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ z के। यहाँ से अगर हम नोटिस करें तो देखो ये इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, और ये जो माइनस का साइन है वो हम इसके पावर में लिख सकते हैं, आर्ग्यूमेंट ऑफ z इनवर्स के इक्वल होगा। मतलब माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ z किसके इक्वल होगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ 1 बाई z के इक्वल होगा। इफ मॉडुलस ऑफ z1 प्लस z2 इक्वल है मॉडुलस ऑफ z1 प्लस मोड ऑफ z2 के, देन आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 इक्वल हो गया आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 के। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लर्न कर लेना, कभी कभी एग्जाम में पूछा भी जाता है ये कि आर्ग्यूमेंट, ये कंडीशन है तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 इक्वल होगा आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 के। या ऐसे भी लिख सकते हैं ये कि आर्ग्यूमेंट ऑफ z1, इसको इधर लेके आएंगे तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 किसके इक्वल होगा, तो ये इक्वल होगा 0 के। ठीक है, तो एग्जामिनर कैसे भी पूछ सकता है, हो सकता है ये कंडीशन लिख दे, हो सकता है ये कंडीशन लिख दे, तो आपको पता होना चाहिए। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये चैप्टर अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। और अगर किसी को डिटेल में ये कॉम्प्लेक्स नंबर का देखना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, वहां पे आप जाके मेरी वीडियोस देख सकते हो। मैंने आपके कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर डिटेल में वीडियो बना रखी है। ये एग्जाम टाइम है तो इसलिए हमने इसको जितना एग्जाम से रिलेटेड था उतना ही कराया है। उससे अगर ज़्यादा एक्स्ट्रा कुछ चाहिए किसी बच्चे को, ज़्यादा अच्छे से क्लियर करने हैं अपने डाउट्स, तो मैंने वीडियोस बना रखी हैं, आप उनको जाके देख सकते हो।